सिटी में कोरोना का वायरस तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है, दूसरी ओर लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। अब भी अनेक लोग बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोमवार को कुल 74 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2,357 हो गई है। बीते कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के चलते सिटी में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। रविवार की रात बारिश के बाद भी सोमवार की सुबह धूप निकली। अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार को लेकर जहां प्रशासकीय कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी संगठन की ओर से आंदोलन किया गया, वहीं विधायक दटके का निषेध और अधिकारियों का समर्थन करते हुए प्रदेश युवक कांग्रेस की स्थानीय इकाई की ओर से भी मनपा मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संपूर्ण मामले में 48 घंटे के भीतर विधायक की ओर से लिखित मनपा कर्मचारियों से माफी मांगी जानी चाहिए, अन्यथा प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे और कांग्रेस नेता गिरीश पांडव के नेतृत्व में कड़ा आंदोलन किया जाएगा, यहां तक कि दटके को शहर में घूमना मुश्किल करने की चेतावनी भी दी गई है। मनपा में हुए हंगामे को गंभीरता से लेते हुए महापौर संदीप जोशी ने कहा कि वरिष्ठ पार्षद एवं विधायक प्रवीण दटके ने एक मामले को लेकर फोन पर नगर रचना सहायक संचालक प्रमोद गावंडे के साथ बात करते हुए अपशब्द का उपयोग किया, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। दटके ने इस संदर्भ में गावंडे से माफी मांग ली है। शहर का महापौर होने के नाते दटके की ओर से मैंने भी गावंडे से माफी मांगी, अतः अधिकारियों ने भी अब आंदोलन वापस लेकर एकजुटता से विकास के लिए काम करें, ऐसी अपील भी उन्होंने की है। नंदनवन थाना क्षेत्र में एक सब्जी विक्रेता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि आर्थिक तंगी के चलते उसने आत्महत्या की। मृतक नंदनवन झोपड़पट्टी स्वतंत्र नगर निवासी विष्णु संपत सावरकर बताया गया है। विष्णु घूम घूम कर ठेले पर सब्जी बेचता था। इमारत की लिफ्ट सुधारने गए मैकेनिक तीसरे माले से गिरकर मौत हो गई है। मृतक नूरी कॉलोनी नारा रोड निवासी साहब शेख गफ्फार शेख बताया गया है। साहब लिफ्ट सुधारने का काम करता था। राजनगर के अमरताज अपार्टमेंट के तीसरे माले का लिफ्ट का दरवाजा खराब हो गया था, इसीलिए साहब को दरवाजा सुधारने के लिए बुलाया गया था। एलेक्सिस अस्पताल के डॉक्टर को धमकाने के मामले में आरोपी साहिल सैयद को सोमवार को बड़ा झटका लगा। न्यायालय ने इस मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सेटिंग करके मनपा के अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण घंटावार को जमानत दिलाने का दावा करने वाले साहिल खुद ही जमानत नहीं करवा पाए। अब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस बीच उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है। उसने अपने साथ गिरीश गिरधर के साथ मिलकर एक रुद्ध महिला का घर हड़प लिया था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दस्तावेजों की जाँच की है। नौशेरा के लामा सेक्टर में भारतीय जवानों ने नियंत्रण रेखा LOC से घुसपैठ की बड़ी साजिश को विफल बनाते हुए पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए आतंकियों की लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर दिया। सेना की इस कार्रवाई में 10 से अधिक आतंकी मारे गए हैं, जबकि कुछ आतंकी घायल भी हुए हैं। महावितरण ने अपने ग्राहकों से बिजली बिल की रकम चेक की बजाय ऑनलाइन जमा करने की अपील की है। महावितरण का कहना है कि ग्राहकों को चेक जिस दिन बैंक से क्लियर होते हैं उस तारीख को बिल जमा किया जाता है। लॉकडाउन के चलते बैंकों में कर्मचारियों की संख्या सीमित होने से क्लियरेंस के काम में देरी हो रही है। ऐसे में अगर बिजली बिल जमा करने की अंतिम तारीख के बाद चेक क्लियर होता है तो ग्राहकों के आगामी बिजली बिल में बकाया रकम आने की संभावना रहेगी। सोमवार की सुबह मनपा में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्व महापौर एवं विधायक प्रवीण दटके द्वारा नगर रचना उपसंचालक गावंडे के साथ किए दुर्व्यवहार को लेकर कामबंद आंदोलन करने की घोषणा कर दी। दटके के खिलाफ रोष का आलम यह था कि अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी से लेकर सभी उपायुक्त और सहायक आयुक्त एवं कर्मचारियों के संगठन ने भी एकजुट होकर आयुक्त मुंडे से मिलकर इस संदर्भ में निषेध जताया, साथ ही दिन भर के लिए कलमबंद आंदोलन करने की घोषणा भी कर दी।